कॉरिडोर बनना चाहिए, भीड़ का दबाव बढ़ रहा है, गलियां बहुत संकरी हैं, निकलने का रास्ता नहीं है, हम लोग भी दर्शन करने जाते हैं, समस्या रहती है। लेकिन उसके साथ साथ प्रशासन को, सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि अब हम व्यापारी लोग हैं, अब हमारे रोजगार का क्या होगा। 500 साल से हमारी जो नाक कटी पड़ी थी वो हमारी नाक वापसी आ गई, इज्जत बच गई हमारी। देखिए, जो सनातन को जो गाली दे रहे हैं ना, वो सनातन को गाली नहीं दे रहे, वो अपने आप को गाली दे रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, कुत्ते भौंकते रहते, हाथी अपनी चाल चलता रहता है। ऐसे कुत्तों के भौंकने से अगर हम अपना काम छोड़ के उसी पे फोकस करेंगे तो भौंकने तो कुछ लोग भौंकने वाले भी तो होने चाहिए ना, तभी तो अच्छा मजा आता है। ईदगाह बना रखी है जन्मभूमि पे, वो मटेरियल उसमें सारा हमारे मंदिर का लगा हुआ है, उसकी आज खुदाई करा के देख लो, 2-4-5 फुट नीचे ही हमारी मूर्तियां और हमारे वो अवशेष निकल के आ जाएंगे। हमारे ईष्ट है, उनका मंदिर, उनका जो जन्म स्थान वो तोड़ के ये ईदगाह खड़ी की गई है, क्या ये हमारे साथ अन्याय नहीं है? हमारा राम मंदिर था वहाँ पे पहले, उसको तोड़ के वहाँ पे बाबर ने अपनी मस्जिद खड़ी कर दी, क्या वो अन्याय नहीं था हमारे साथ? मतलब हमारे साथ हो वो तो सब ठीक, हम अपना चीज वापसी मांगे तो वो अन्याय हो गया, ये तो कोई थ्योरी ठीक सी नहीं लगती हमें। सबसे पहले तो अपना नाम। मेरा नाम गौरव शर्मा। क्या करते हैं आप, यहीं के रहने वाले हैं? हम वृंदावन के रहने वाले हैं, हमारे बिहारी जी मेन बाजार में, मुकुट पोशाक श्रृंगार ठाकुर जी से रिलेटेड सारे सामान का तो काम है हमारा। अच्छा, ये तो आपका लोकेशन है, अब बात करते हैं यहाँ की कुछ गलियों की। यहाँ पे जो है कॉरिडोर को लेके चीजें जो भी है उसको लेके आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, कॉरिडोर बनना चाहिए, भीड़ का दबाव बढ़ रहा है, गलियां बहुत संकरी हैं, निकलने का रास्ता नहीं है, हम लोग भी दर्शन करने जाते हैं, समस्या रहती है। लेकिन उसके साथ साथ प्रशासन को, सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि अब हम व्यापारी लोग हैं, अब हमारे रोजगार का क्या होगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि आपको मुआवजा मिलेगा और अलग मार्केट बसाएंगे। देखिए, मुआवजे का तो ऐसा है, आप मेरी बात सुनिए, आज मैं अपनी दुकान को बेच देता हूँ मुआवजा तो वो भी मुझे मिल जाएगा, लेकिन मैं कितने दिन बैठ के खा लूंगा उसे? अगर ऐसे मुआवजा अगर मिलने लगे तो देश में बहुत बेरोजगारी, सबको मुआवजा दे दो, वो रोजगार ही नहीं मांगेंगे, रोजगार चाहिए। आप भी मीडिया में हैं, ये भी आपका एक रोजगार है, आपके एम्प्लॉयमेंट है, आपको कहते हैं मुआवजा, कितने दिन मुआवजा खा लेंगे आप? घर में 25-30-50 हज़ार का तो खर्चा घर में चूल्हा चलाने के लिए बैठ ही जाता है। रोजगार है तो घर चल रहा है, बच्चे पल रहे हैं, परिवार चल रहा है, 100 तरीके के खर्चे होते हैं। जब रोजगार ही नहीं रहेगा मुआवजे से, हम 1 महीने 2 महीने 6 महीने साल 2 साल 5 साल फिर आगे का हमारा भविष्य क्या रहेगा, बच्चों का क्या फ्यूचर रहेगा? काशी गए हैं आप? नहीं, मैं नहीं गया अभी तक। वहाँ के कॉरिडोर के बारे में तो सुना? हाँ, वो अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे कॉरिडोर बन जाता है तो श्रद्धालुओं को आसानी? देखिए आसानी तो होगी, लेकिन काशी के और यहाँ के अगर हम उसको देखें तो भौगोलिक स्थिति में फर्क है। यहाँ पे इतना वो नहीं है, वहाँ पे कंजेस्टेड ज्यादा था, वहाँ पे पब्लिक का दबाव भी इस हिसाब से वहाँ ज्यादा है या कम था। और यहाँ पे तो आप देखो तो पर्व के टाइम पे, हॉलीडे के टाइम पे ही दबाव है, आप देखो खाली पड़ा है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, आराम से जाओ आप। यहाँ से आपको जाने के आने में 10 मिनट नहीं लगेगा, दर्शन अच्छे से होकर आ जाएंगे आपको। राम मंदिर में मतलब जो भी चीजें हुई है, राम मंदिर बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? अच्छी बात है, खुश है हम बिल्कुल। जो 500 साल से हमारी जो नाक कटी पड़ी थी वो हमारी नाक वापसी आ गई, इज्जत बच गई हमारी। और देखा जाए तो सारे जितने भी हिंदू मंदिर, जितने भी इन्होंने मुसलमानों ने अपना स्टिकर लगा रखा है, चाहे कोई भी हो, वो सब हिंदुओं के ही हैं, चाहे ताजमहल है, चाहे कुतुब मीनार है, चाहे कोई और है, वो सब हिंदुओं के ही हैं। रेगिस्तान में इन्होंने और कोई किला क्यों नहीं बना लिया? हिंदुस्तान में ही आज बने थे क्या सारे लाल किले और जितने भी किले बने हैं इनके? ये तो सब हिंदुओं के, मथुरा में है जो भी है, सब हिंदुओं के, उस पर अपना लेवल लगा रखा है। हमारी मंदिर है हमारे, ये इनका थोड़ा ही है कुछ, अपना है तो वहाँ क्यों नहीं बना लिया इसने, बाबर ने अफगानिस्तान में? वहाँ क्यों नहीं इसका कोई किला, कोई वहाँ पे कुतुब मीनार वहाँ खड़ी कर लेता? शाहजहाँ ने वहाँ क्यों नहीं बनवा दिया एक आध लाल किला और एक आध ताजमहल? सब हमारा ही है, वो हमारी नाक काट रखी थी इन्होंने। कमजोरी हम लोगों की ही है कि हम हिंदुओं ने ही ये देश 800 साल अंग्रेजों, मुसलमानों पर 200 साल अंग्रेजों पर गुलाम रखवा दिया, वो कोई अपने साथ थोड़े लेकर आए थे, इन्हीं लोगों को, इन्हीं लोगों को मरवाया है। योगी मोदी सरकार से खुश है? बहुत ज्यादा। जो सनातन को गाली दे रहे हैं ना, वो सनातन को गाली नहीं दे रहे, वो अपने आप को गाली दे रहे हैं। वो सनातन को कोई गाली नहीं दे सकता, सनातन का जो दर्जा है, जो लेवल है, वो बहुत ऊंचा है, जो हम आपकी सोच से भी ऊपर है। वो वैसे तो कहते हैं कि योगी मोदी के बारे में भी, देखिए कुछ, देखिए मेरी बात सुनिए, कुत्ते भौंकते रहते, हाथी अपनी चाल चलता रहता है। ऐसे कुत्तों के भौंकने से अगर हम अपना काम छोड़ के उसी पे फोकस करेंगे तो भौंकने तो कुछ लोग भौंकने वाले भी तो होने चाहिए ना, तभी तो अच्छा मजा आता है कि सामने वाले को अगर भौंक रहे हैं तो लग रहा है ना काम हो रहा है, मतलब कुछ तो है, तभी तो वो भौंक रहे हैं। अच्छी बात है, भौंकने वाले भी होने चाहिए। मथुरावासी हैं आप, ईदगाह जो शाही ईदगाह है वहाँ पे भी बताया जाता है कि वहाँ पे मंदिर था, श्री कृष्ण का जन्म स्थान था, उसको लेके आप? वहाँ पे ही मंदिर नहीं था, हिंदुस्तान में जहाँ भी इन्होंने अपने लेबल लगाए वो सभी हमारे मंदिर ही थे।
और दूसरी बात ये है कि जो जो जन्मभूमि क्या नाम है ईदगाह बना रखी है जन्मभूमि पे, वो मेटेरियल उसमें सारा हमारे मंदिर का लगा हुआ है, उसकी आज खुदाई करा के देख लो, 2-4-5 फुट नीचे ही हमारी मूर्तियां और हमारे वो अवशेष निकल के आ जाएंगे। वो ईदगाह औरंगजेब का शासन था, उसने मंदिर को तोड़ के वहां पे ठाकुर जी का जन्म स्थान था, गर्भगृह था, उसको तोड़ के वहां पे इसने अपनी ईदगाह खड़ी की है, जो कि पूर्णतः गैर कानूनी है, गलत है। और अब हिंदू जागृत हो चुका है, हिंदू पहले की तरह सोया हुआ नहीं है, हिंदू जाग चुका है। अच्छा, लोग तो ये कहते हैं कि जिस तरीके से योगी मोदी सनातन धर्म को आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मुसलमानों के साथ अन्याय भी कर रहे हैं। अच्छा, हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं हुआ है? नहीं, हिंदुओं हमारी सारी, अब ये हमारी इतनी बड़ी क्या नाम है कृष्ण जी, सभी जितने भी वैष्णव हैं सबके पूजनीय हैं, हमारे ईष्ट हैं, उनका मंदिर उनका जो जन्म स्थान वो तोड़ के ये ईदगाह खड़ी की गई है, क्या ये हमारे साथ अन्याय नहीं है? हमारा राम मंदिर था वहाँ पे, पहले उसको तोड़ के वहाँ पे बाबर ने अपनी मस्जिद खड़ी कर दी, क्या वो अन्याय नहीं था हमारे साथ? मतलब हमारे साथ हो वो तो सब ठीक, हम अपना चीज वापसी मांगे तो वो अन्याय हो गया, ये तो कोई थ्योरी ठीक सी नहीं लगती हमें। अच्छा, यूसीसी के बारे में जानते हैं आप? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड अच्छी बात है, लागू होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लागू होना चाहिए, होने चाहिए, वक्त की मांग है। और देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आने वाले समय में आप देखना ऐसे ऐसे और भी अच्छे कानून सरकार लेकर आएगी जो बहुत जनहित के हैं, होना चाहिए। अब ये थोड़ी है संविधान से, देश संविधान से चलेगा, ये लोग अपने अलग संविधान से चलेंगे, ऐसे थोड़ी होगा, देश एक है तो संविधान तो एक ही होगा ना। विरोध कर रहे हैं तो फिर वो यहाँ रह भी क्यों रहे हैं? विरोध अगर उनको है तो फिर रहो ही मत यहाँ भाई। परिवार में अगर कोई बच्चा तंग है, परेशान है, घर वालों के जो अनुशासन है उस पे उसको नहीं अच्छा लग रहा है, तो एक काम कर भाई, बाहर चला जा, तू अपना निकल यहाँ से, घर से न्यारा हो जा, कहीं जाके रहे अपना। जब तेरे को इस घर में मजा नहीं आ रहा है, इस घर के शासन प्रशासन से व्यवस्था से तेरे को प्रॉब्लम है, तो अपना चले जाओ यहाँ से। कौन कौन कह रहा है? ठेका थोड़े ले रखा है, पाकिस्तान बना पड़ा है, जाओ वहां जाके रहो। केजरीवाल को लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, ये लोग मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं है। देख, मैच्योरिटी की पॉलिटिशियन जो होता है ना, वो फैसले आप मुफ्त में आप किसी को बिजली पानी ये और वो दे दोगे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो पब्लिक को फिर काम धंधा करने की क्या जरूरत है? हमारे समाज में बहुत से ऐसे तत्व जिनको खाना कमाना मेहनत करनी है ही नहीं, बैठे बैठाए का उनको दे जाओ तो उन लोगों का वो तो। और फिर दूसरी बात क्या है, जो नशे करने वाले लोग हैं उनको तो फायदा हो गया ना, बिजली पानी तो मिल ही रहा अपना, कितना ही कब अपराध को, तो गलत है। नहीं, ये तो ऐसी स्कीमें नहीं देनी चाहिए। आज मैं अपने सामान को मुफ्त में अपने लोगों को देने लगूं तो मुफ्त में तो पब्लिक घूमी रही है, दे दो इनको, लेकिन ऐसे देश की व्यवस्था बिगड़ती है, टैक्स कहाँ से आएगा सरकार को, इनकम कहाँ से होगी? ऐसे तो फिर सभी मुफ्त में कर देंगे तो फिर तो देश में कल कोई और भी बहुत कुछ मुफ्त में मांगेगी जनता, व्यवस्था बिगड़ेगी ना ऐसे तो, ये तो कोई सिस्टम नहीं हुआ। कांग्रेस को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस तो पूर्णतः अपने पतन की ओर है, और कांग्रेस, लेकिन अब तो कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि हम सीट लेकर आए। देखिए, कांग्रेस की जो कोशिश है ना, वो सीट लेके आने की नहीं है, सीट घटाने की है। और कांग्रेस टोटली ही हिंदुओं के खिलाफ मानसिकता की, देश विरोधी मानसिकता की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने ही इस देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। अब राहुल गांधी के आप बयान ही सुन लो, एक तरफ तो कह रहा है मेरी बहन क्या नाम है, उसकी बहन कह रही है एक इंटरव्यू में सोशल मीडिया पर काफी दिन से वायरल हो रहा, हम कश्मीरी पंडित है, हमारे वहाँ लहसुन प्याज नहीं खाते। दूसरी तरफ उसका भाई राहुल गांधी वहाँ पे लालू प्रसाद यादव के वहाँ पे जाके बकरे का मीट पका रहा है, खा रहा है, और वो भी सावन के टाइम की वो वीडियो है, और वो उसमें ये कह रहा है मैं अपनी सिस्टर के लिए लेके जाऊंगा। तो ये तो बहुत दोगले लोग हैं ये लोग, तो इन लोगों ने तो इस देश को बेवकूफ बनाया है। एनडीए तो कह रही है कि इस बार हम 400 पार जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, पार जाएंगे, 400+ ही जाएंगे, 400+ ही जाएंगे। हिंदू वोट एक तरफा बीजेपी को मिलेंगी और धुआंधार मिलेंगी। राम, मैं ये कह रहा हूँ फिलहाल आज की डेट में, क्या भविष्य में भी मोदी योगी को रोकने वाला है कोई नहीं है। कांग्रेस को तो भूल जाओ, उसकी तो बात करनी ही बेकार है। वो तो आएंगे ही, सारे सांप बिच्छू साथ आएंगे, वो तो आना पड़ेगा। नहीं आएंगे तो फिर मोदी जी का कमाल है और किसका कमाल है। मोदी जी अच्छे राजनेता हैं, अच्छी रणनीति राजनीति जानते हैं, अच्छे रणनीतिकार हैं, अच्छे अच्छे सलाहकार हैं उनके पास। तो उद्धव ठाकरे भी बोला है कि मैं विरोधी नहीं हूं मोदी का। देखिए, उद्धव ठाकरे की तो उन्होंने ना, जैसे होता है ना कि खली में से तेल निकालना, तो उसका तो तेल ऐसा निकाला है कि उसको अकल आ गई है, जबकि वो देखा जाए तो क्या नाम है बीजेपी के ही साथ थे। उसके फादर थे जो बाला साहब ठाकरे, वो तो बीजेपी के कट्टर समर्थक थे, बाबरी मस्जिद गिराने में कितना बड़ा योगदान था। पर लेकिन वो ये लालच है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो इसलिए सरकार बना ली। अब सबक मिल गया है, अब ठीक आना पड़ेगा, नहीं आएगा तो फिर
पार्टी का सिंबल छिन गया, नाम छिन गया और सब कुछ छिन गया, विधायक चले गए, तो जो बचा कुछ है वो बचाने के लिए तो साथ आना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर सब तैयार है ऐसे लोगों के काले चिट्ठे सरकार के पास, क्या बड़ी बात है।